उनके उनको मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, बस उनको बहुत सारा प्यार और कुछ फैमिली वीक हुआ था बिग बॉस के घर के अंदर, तो किसके फैमिली का एंट्री आपको ज्यादा अच्छा लगा? कहने को तो अभी सबका ही अच्छा लगा, पर लगा सबका अच्छा ही था। कुछ नहीं उनके लिए, बस ऐसे ही मतलब आगे कुछ नहीं बोल सकता अभी इतना ही। अच्छा, ये मंडली जो है बिग बॉस के अंदर वो कितना आपको रियल लगता है? रियल है या फेक है, खाली गेम के लिए वो लोग? नहीं रियल ही है। रियल लगता है। और ये जो अभी इस हफ्ते एविक्शन हुआ है, एविक होने वाले, मतलब नॉमिनेशन ऑलरेडी हो गया, तो क्या लगता है कौन एविक्ट होगा नॉमिनेशन के बेसिस पे? कोई भी होने दो, पर होने दो, कोई भी होने दो। एमसी स्टैन नॉमिनेटेड है, इसीलिए एमसी स्टैन हक से एमसी स्टैन क्या एविक्ट हो जाना चाहिए? हां, निकल नहीं जाना चाहिए, रहना चाहिए। तो वही मैं बोल रही हूं, अभी निकलने का अभी वो तो कह नहीं सकते, हमें कोई भी निकल सकता है। कोई सुम्बुल एमसी स्टैन है और श्रीजीता है। श्रीजीता देखेंगे कोई निकले उनके ऊपर है। बिग बॉस देखते हो आप? हां जी। तो बिग बॉस के अंदर आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? हां, एमसी स्टैन है, सालिन है और साजिद खान। सबसे ज्यादा कौन पसंद है और किसका गेम ज्यादा पसंद है? ज्यादा गेम तो शिव का पसंद। ओके, शिव से बात है कि इस वक्त फैमिली वीक हुआ था जहाँ पर उनके फैमिलीज आए थे, तो सबसे ज्यादा अच्छा फैमिली का एंट्री किसका आपको लगा? फराह का। अच्छा, और शिव की मम्मी भी आई थी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अच्छे हैं उनकी मम्मी भी, शिव जैसे ही है। और बिग बॉस में जो मंडली बोलते हैं, तो ये आपको क्या लगता है कितना रियल है और कितना फेक है? मंडली तो है, दो दो मंडली है, यहाँ पे डिवीजन होते हैं बिग बॉस में, पहले से दिखते रहे, बहुत पास एपिसोड में देखो तो ग्रुप बनते थे, आज भी ग्रुप बन रहे हैं। अच्छा, और ये जो अभी इस हफ्ते नॉमिनेट हुआ है घर से, सुम्बुल है, एमसी स्टैन भी नॉमिनेट हुआ आपके फेवरेट, तो क्या लगता है कौन एविक्ट होगा? सुम्बुल। क्यों, आपको ऐसे क्यों लगता है? क्योंकि उनका गेम में इतना वो है नहीं, वो दिन बस होते रहते हैं, बाकी सब तो कुछ तो करते हैं भी। प्रियंका कितना पसंद आ रही है? प्रियंका नाम तो अच्छा है उनका भी वो लग रहा है टॉप सेकंड तक जाएंगे, टॉप टू टॉप थ्री तक प्रियंका। ओके, थैंक यू। बिग बॉस देखते हो आप? हाँ बिल्कुल। तो आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है, ये पूछना चाहेंगे? अभी इस बार तो मैंने नहीं देखा, वैसे तो लास्ट ईयर भी देखा था, पीछे भी देखा था, तो सारे ही बेटर हैं, इस साल तो नहीं देखा, पर अच्छा रहता है इस लॉन्ग टर्म में। इस साल में कोई भी ऐसे कंटेस्टेंट है जो आपको मालूम है कौन गया? नहीं, इस बार मैंने नहीं देखा। अच्छा, नहीं देखा। ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम। तो जितने भी आपने देखा है उसमें से आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? बिग बॉस में फेवरेट क्या, अभी तो वही चल रहा है, एमसी स्टैंड ही चल रहा है। एमसी स्टैंड के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, कैसा लग रहा है उनका गेम अंदर, किस तरह से खेल रहे हो? सही है, बिकॉज उनके मन में जो भी आता है वो बोल देते हैं, ऐसा कोई कुछ नहीं कि मतलब वो क्या ये क्या जो हमें वही है। बहुत जल्द एमसी स्टैंड की मम्मी भी आने वाले फैमिली वीक में, उनसे मिलने के लिए घर के अंदर, तो वो देखने के लिए आप कितने इंतजार कर रहे हो? वो देखने तो काफ़ी इंतजार कर ही रहे हैं, सब कर रहे हैं, आई थिंक मैंने कि जितने भी उनके फैंस होंगे सब कर रहे होंगे। वो फिलहाल इस वीक वो नॉमिनेट हुए हैं एविक्ट होने के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है इस बार कौन जाएगा घर से बाहर? अब देखो कौन जाएगा, इतना तो मुझे वो नहीं हो रहा है फिर भी। ओके, बिग बॉस देखते हो? हाँ, थोड़ा सा देखा था मैंने, बट मेरे को ज़्यादा सही नहीं लगा, मतलब उसमें ऐसा है ना कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना वो अपने आप ही बना के उठा देते हैं, उस टॉपिक्स को कोई मतलब नहीं होता उन बातों का, तो वो उसमें इस वजह से। बट उसमें एमसी स्टैन और क्या नाम था उसका, अब्दू, वो दो बंदे मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने देखा था उनकी वजह से, उन्हीं दोनों की वजह से देखा था मैंने, बाकी तो सब नॉर्मली लगते हैं, कोई ऐसा फैमिली भी हुआ है अभी फिलहाल जो कंटेस्टेंट्स के फैमिली घर के आए, तो कल अगर आपने देखा होगा तो किसका? नहीं, मैंने नहीं देखा, सॉरी। बहुत जल्द एमसी स्टैन की मम्मी भी अंदर जाने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड हो उनका देखना? तो वाइब ही अलग होगी फिर तो, देखना पड़ेगा फिर तो वाइब अलग ही होगी। वो नॉमिनेट भी हुआ है फिलहाल इस वीक एविक्ट होने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि वो घर से बाहर निकल जाएंगे या फिर उनके जगह हो ही नहीं सकता? पब्लिसिटी, फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है कि वो बाहर निकलेगा तो ऑब्वियसली कोई शो नहीं देखेगा उसका। ओके, तो अगर वो नहीं तो क्या लगता है कौन निकलेगा घर से बाहर? वो नहीं तो आई थिंक सो
मेरे को नाम नहीं पता है बट लेकिन वो बंदा जो थोड़ा सा उसका हैवी बॉडी ओडी है तो हाँ वो बंदा नॉमिनेट नहीं हुआ है नहीं हो सकता है आगे चल के क्योंकि वो थोड़ा सा मीठी मीठी बातें मारता कहने का सुनी है तो ये ओके थैंक यू वेलकम।